हमसे यानी उसको मैं क्या नाम दूं कि गलती ही कह रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे वो इरादा नहीं बल्कि वो एक तारीखी मामले की वजह से हुई है। जुमे के खुतबे में अशरफ और बशरा सहाबा की आप जिनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई है उनका जिक्र हो रहा था, तो उसमें हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र हुआ और मैंने उसमें ये बोला कि आपका ताल्लुक भी अशरा मुबशरा से है, तो ये आपने गलती ज़रा दुरुस्त करनी है कि हजरत सुलेमान फारसी जो हैं वो अशरा मुबशरा की लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन उनके जन्नती होने में कोई शक नहीं, अशरा मुबशरा में नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह का हर सहाबी जो है वो जन्नती है। अशरा मुबशरा का मतलब ये है कि वो दस सहाबी किराम कि जिनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते ज़ाहिरी में उनकी हयाते ज़ाहिरी में उनको कई बार जन्नत की बशारत दी और फिर वो हद्दे सीन जो है उनकी इस बशारत वाली रिवायत पे मुत्तफिक हो गए, तो इसलिए उनको अशरा मुबशरा कहा गया। और अगर किसी सहाबी के लिए ज़ाहिरी तौर पर कोई जुमला या इंफरादी तौर पर कोई जुमला रिवायत में नहीं आया या मुहद्दिसीन ने जिक्र नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस सहाबी के बारे में ये कंसेप्ट रखें कि वो जन्नत नहीं है, ऐसा नहीं है मामला, लेकिन अशरा मुबशरा में नहीं है। बहर हाल वो जन्नत ही जरूर है कि हर सहाबी रसूल जो है वो जन्नत ही है, उनके लिए अल्लाह ने ऐलान फरमा रखा है कि रज़ी अल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह उन पे राजी है और वो अपने रब पे राजी है। इसके अलावा कोई सवाल अगर किसी साथी ने करना है। सबका इमाम बनाया गया जी जी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज की रात जाने से पहले सब अंबिया की इमामत की जी, इस पर थोड़ी सी वजाहत कर। हाँ, यहाँ पर जो आयत में अल्फाज है ना कि इनकी जाहिलों का लिखना से इमाम है कि हमने आपको कयामत तक के लोगों का इमाम बनाया, कयामत तक के लोगों का इमाम बनाया, और शबे मेराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमामत कराई है वो इमामुल अंबिया है, इमामुल कि आपने 1,24,000 नबियों की जो है वो इमामत करवाई है। रुतबे दर्जे मकाम के एतबार से हमारे प्यारे नबी का दर्जा रुतबा जो है वो सारे नबियों रसूलों से बढ़कर है, लेकिन यहाँ पर जो इमाम का लकब अल्लाह ने अता फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वो इमामुन नास के एतबार से है कि आप का जो दीन था वो मिल्लत इब्राहिमी कहलाता है और आपकी औलाद से अल्लाह ताला ने हजारों अंबिया जो है वो आपकी औलाद में पैदा हुए और आप ही की औलाद से फिर अल्लाह ताला ने आमना का लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा अता फरमाया, इस एतबार से नसब के एतबार से और मिल्लत इब्राहिमी के एतबार से जो आपने रहनुमाई दी है वो क़यामत तक के लोगों के लिए मुकाम और मतलब आमीन।